मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? जग्गू, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? जग्गू कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम लोगों ने प्रोफेसर धूमकेतु को कहीं देखा है क्या? क्यों? उन्हें क्या हुआ? सुबह से कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मासी जी ने भी उन्हें देखा था। भीम, वहाँ देखो, वो तो रहे। परेशान दिख रहे हैं, है ना? चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है, सामने आओ। प्रोफेसर, हम हैं। नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो ओ, अरे हाँ हाँ हाँ, बच्चों क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं, मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। अच्छा, ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं, जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक, और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। मौसी, तुम्हारे लड्डुओं की खुशबू तो पूरे ढोलकपुर में फैली हुई है। अच्छा, बाहर चलकर बैठो, मैं लड्डू लेकर आती हूँ। भीम, चुटकी, चकु, ये देखो, ये तो सचमुच करामाती कॉमिक है। चलो बच्चों, सब लड्डू खाने आ जाओ। जग, किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। देख कर आता हूँ। ये राजू कहाँ चला गया? और ये दरवाजा भी खुला है। जग्गू उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे, ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। राजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम
तुम सही समय पर नहीं आते तो, पर पहले ये बताओ तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस करामाती कॉमिक के जरिए। कालिया ने इसे चोरी करके छुपा दिया था। अब ये लो अपना कॉमिक। मेरी नहीं, हम सबकी कॉमिक। अब बच्चों थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं एक झटके में अपनी खोज पूरी कर लूंगा। कालिया तुम कितने बुरे हो, तुम प्रोफेसर की डायरी के बदले उनसे उनकी खोज लेना चाहते हो। तुमसे मतलब? मैंने वो डायरी ढूंढी थी तो मैं जो चाहूँ वो मांगूंगा। कालिया अगर मेरा बस चले ना तो। अरे वाह, लगता है प्रोफेसर की खोज जबरदस्त है। क्या हुआ? देखो ना भीम, कालिया प्रोफेसर की डायरी के बदले उनसे उनकी खोज ले रहा है। क्या? अरे वो डायरी तो मुझे मिली थी, प्रोफेसर की खोज तो मैं लूंगा। चुप, तुम यहाँ पर कैसे आए? कालिया तुम मेरे भाई को प्रोफेसर की खोज दोगे क्योंकि उसी ने डायरी ढूंढी थी। तुम दोनों को तो मैं वो खोज कभी सपने में भी ना दूं। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। नहीं, ये मुझे चाहिए। परेशान मत करो, जरा मुझे देखने दो। हाँ, क्या है इसमें चुटकी? भीम, भीम इसमें चूड़ियां हैं। कालिया निराश मत हो, ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं, ये आसानी से टूट नहीं सकती। रुको, तुम सब हंसना बंद करो। हाँ ढोलू, तुम्हें भी तो चूड़ियां चाहिए होंगी ना, आखिर तुमने भी तो डायरी ढूंढी थी। आज तो लड्डू इतने झटपट बिक रहे हैं, लगता है हमारे लिए नहीं बचेंगे। मास्टर कुक का कॉम्पिटिशन है। चलो दोस्तों ढोलकपुर वापस चलें। भीम ये लड्डू भी ले लो। Hey babe, hooray!
चलिए देखें हमारे कंटेस्टेंट्स ने पहले राउंड में क्या क्या बनाया है। तो सेमीफाइनल के रिजल्ट्स आ गए हैं। तीन फाइनलिस्ट हैं। यम यम खाना बनाने वाली मिस लिली, चटपट खाना झटपट बनाने वाले मिस्टर शौकीन, और वो जिन्हें सब प्यार से मौसी कहते हैं, टुन टुन मौसी। आप तीनों फाइनलिस्ट के लिए पहले एक सवाल, आपको खाना बनाना क्यों पसंद है? इससे मैं अपने दिल की भावनाओं को बयां कर पाती हूँ, इसलिए मैं असली बात तो ये है कि मुझे खाना बनाना ज्यादा पसंद नहीं है। हैं? हाँ, पर जब मैं बच्चों के मुंह पर मेरा बनाया खाना खाकर खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा खाना बनाऊँ। सिर्फ ढोलकपुर की ही नहीं, ये लड्डू है हमारे देश की शान। टुन टुन मौसी है हमारी मास्टर कुक और उनके लड्डू अब पूरी दुनिया में नाम करेंगे, क्योंकि ये शो देखा जा रहा है दुनिया के कोने कोने में। टुन टुन के लड्डू है हम सबकी जान, है ढोलकपुर की शान, है टुन टुन के लड्डू। कौन है? मुझे नहीं पहचानती? मेरी प्यारी बहन मुनमुन। अरे टुनटुन, तेरी बहुत याद आ रही थी, कितना समय हुआ तुझसे मिले, कितनी ही दुबली हो गई है, कुछ खाती नहीं क्या? और फिर तुझे मुन्ना से भी तो मिलना था। ले 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 ले, आ, आ। मजा आ गया तेरे हाथ के पराठे के साथ मिर्ची का अचार खाकर, मुन्ना भी सो गया है, चल मैं तुझे बाजार घुमा लाऊं, जब तक मुन्ना उठेगा हम वापस भी आ जाएंगे। बहुत भूख लग रही है उस्ताद। उस्ताद वो देखिए, इस बंदर को तो मजा चखाता हूँ। हीम और दोस्तों को ये जरूर पसंद आएंगे। पहाड़, कालिया, मेरे केले। जग्गू, मैं कालिया इंसान हूँ, ढोलू भोलू भीम राजू हम सब इंसान हैं, इसलिए दोस्त हो सकते हैं, पर तुम तो एक बंदर हो, सिर्फ बंदर। मैं
जग्गू जग्गू सिर्फ बंदर। जग्गू का कोई पता नहीं, तुमने देखा उसे चुटकी? नहीं भीम, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, चलोगी चुटकी? नहीं, वो जंगली बंदर पेड़ों पर झूल रहा होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी चुटकी। पर माँ, मौसी, जग्गू हमारा दोस्त है। कोई जंगली बंदर नहीं। अरे बंदर भी कभी इंसान का दोस्त होता है? बोलो, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है, पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई और यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों, क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? गालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदो? तुम खुद ही देख लो गालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो अब गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू, पकड़ो उन्हें। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू? हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। इन लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। सब कुछ गलत, सब। कुमारी, हम गुस्सा हैं, बहुत गुस्सा। पर क्यों राजकुमारी? हम गुस्सा हैं क्योंकि
हम तो राजकुमारी हैं, हम कभी भी कैसे भी किसी से भी गुस्सा हो सकते हैं। राजकुमारी जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसा कोई बंदोबस्त कर सकते हैं प्रोफेसर धूमकेतु कि ढोलकपुर में कभी अंधेरा ना हो? कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या फायदा होगा महाराज? भीम, इससे ढोलकपुर में चोरी चकारी सब बंद हो जाएगी और किसी को रात के अंधेरे से डर भी नहीं लगेगा। सुनने में तो ये एक अच्छा सुझाव लग रहा है। मैं अभी से एक बड़ी लाइट बनाने की तैयारी करता हूँ ताकि रात तक वो पूरे ढोलकपुर को रोशन कर सके। कब लगेगी लाइट? आज तो बहुत थक गया मैं। जल्दी सुबह कैसे हो सकती है? हो तो नहीं सकती, लेकिन हो गई है। ये सूरज जैसे लाइट किसने लगा दिया ढोलकपुर में? लगता है हम पे निगरानी रखने के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किए हैं। भागो! रात में लाइट जलाकर क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और ही है। पहली बॉल पर आउट करने में भी उतना ही मजा है। बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, आपकी लाइट ने तो कमाल कर दिया। कल रात ढोलकपुर में एक भी चोरी नहीं हुई। रात भी दिन जैसी लग रही थी। और पिताजी, कल रात मुझे भी कोई डरावना सपना नहीं आया। ये कमाल हमारा नहीं, प्रोफेसर धूमकेतु का है। धूप अंदर नहीं आएगी।
ओहो सो जा मेरे लाल, सो जा। दिन भर धूप में मेहनत करो और रात में ये जो बनावटी सूरज है सोने नहीं देता। अजी इस सूरज ने तो नाक में दम कर दिया है। हम राजकुमारी हैं। कौन है ये? अरे मेरी प्यारी धन्नो, दुलारी धन्नो, चल धन्नो। हट जाओ, हम राजकुमारी हैं। हम पहले जाएंगे। पर राजकुमारी, हमें ये सारा नमक लेकर वापस जाना पड़ेगा। जो भी हो, पहले तो हम ही जाएंगे। नहीं नहीं, लड़ो मत। धन्नो! वो गलती तुमने मेरी धन्नो को गिरा दिया। माफ कर दीजिए हमें। अभी बताता हूँ। अकड़म पकड़म बिगड़म। और फिर उस बुढ़े बाबा ने मुझे ऐसा बना दिया पिताजी। राजकुमारी, आपके गुस्से ने ही ये सब किया। राजकुमारी, आप ठीक हो जाएंगी। ये सब आपको ठीक करने के लिए ही आए हैं। जंगल की खास जड़ी बूटियाँ। बाबा, राजकुमारी ने आपकी धन्नो को गलती से धक्का दिया था। इन्हें ठीक कर दीजिए ना। अगर ठीक होना है तो नमक को उस पार ले जाओ। नहीं, मेरी प्यारी धन्नो, बचाओ उसे। बूढ़े बाबा, हमारी राजकुमारी। माफ कीजिए बूढ़े बाबा। जो तुम चाहो भी।